लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। हेलो हेलो, डोर ओपन करो, सुन रही हो? व्हाट्स द नेम? देविका, देविका, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं मुझे जिस चीज का डर था, इस लड़की ने वैसे कुछ कर ना ली हो। देविका, हेलो, ओनर को बुलाती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। अमृता भागते हुए अपने पीजी ओनर के पास जाकर उन्हें बुला के लाती है, पर इस बार भी देविका दरवाजा नहीं खोलती। मजबूरन पीजी ओनर सिक्योरिटी की मदद से दरवाजा तोड़ देते हैं। ओह माय गॉड, देविका, देविका, ये क्या कर लिया इसने? ये लड़कियां भी ना पढ़ाई करने आती हैं और यही सब हरकतें करके पीजी को बदनाम करते हैं। इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ूंगा अब? सुनो अमृता, तुम्हारे पास अगर इसके माँ पापा का कांटेक्ट नंबर है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। मेरे पास कहाँ से आएंगे नंबर? मैं तो आज सुबह इस रूम में आई हूँ, और इसके माँ पापा आते आते तो बहुत लेट हो सकता है। हमें इसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ तो ले जाओ, मुझे दूसरा काम है। हाँ तो ठीक है, ले जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस पैसे छापने के लिए बैठे रहिए यहाँ पे। भैया आप थोड़ी मदद कीजिए। अमृता बिना देर किए पीजी की सिक्योरिटी के मदद से एक टैक्सी बुला के अपनी रूममेट देविका को हॉस्पिटल ले गई। इसका फोन भी लॉक्ड है, कैसे कॉल करूं इसके पेरेंट्स को? कुछ नहीं कर सकती, बस वेट करना पड़ेगा। हे भगवान, सब सही हो जाए। हेलो आंटी, मैं देविका नहीं, उसकी रूममेट बोल रही हूँ, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ है? देविका कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है आंटी, मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट की हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज। देविका की माँ अपनी बेटी के बारे में सुनते ही उसके पापा के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर, हमारी बेटी को क्या हुआ है? उसकी दोस्त बाहर मिली हमें, पर कुछ बता नहीं रही। आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट ली थी, सही टाइम पे उसकी दोस्त उसे यहाँ पे ले आई, नहीं तो। सुसाइड? पर क्यों? देखिए, इसका आंसर तो वो खुद ही आपको बता सकती है। फिलहाल पुलिस को हम इन्फॉर्म नहीं किए, क्योंकि उसकी दोस्त हमें रिक्वेस्ट की। आगे से ध्यान रखना अपनी बेटी की, और हाँ, हम 2 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तूने हमें इतनी बड़ी बात छुपाई, कैसे? और ये सुसाइड करके क्या जताना चाहती थी, कि तू बहुत महान है? हाँ माँ, मैं डर गई थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, करियर ऐसे नहीं बनते, तुझे तो मर ही जाना चाहिए था, जिंदा रह के हमें टेंशन में डाल दी। अब हम दोनों घर चले भी गए तो रात दिन बस यही सोचते रहेंगे कि तू यहाँ पे कोई गलत कदम तो नहीं उठा ली। पापा, I'm sorry पापा, गलती हो गई मुझसे। सॉरी से कुछ नहीं होगा, अब पढ़ाई रहने दे और हमारे साथ घर वापस चल। माँ ऐसे मत बोलो, मैं क्या? मैं तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, जो करना है करो यहाँ पे। सावित्री चलो, हमें वापस चलना चाहिए। पर बेटी को चलने के लिए बोला ना तुम्हें? देविका, सब छोड़ के घर वापस चली आना बेटी।
सब ठीक हो जाएगा। देविका, देविका काम डाउन, प्लीज मत रो। देखो मैं तो तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं बनी हूँ जो तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछ सकूं। फिर भी अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ शेयर करके अगर तुम्हें हल्का महसूस होगा तो प्लीज बताओ। क्या बात है, तुमने ऐसा स्टेप क्यों लिया? बस एक दिन की जान पहचान में तुमने मेरी जान बचाई। शायद तुम्हारे जगह और कोई होता तो मुझसे मुंह फेर के ये रूम चेंज कर देता, पर तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच। अरे ऐसे मत बोलो, बताओ क्या बात है। आज से 2 साल पहले मैं हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे आना चाहती थी और घर पे। पागल हो गई हो तुम सावित्री, आगे की पढ़ाई करने इसे इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत है? और मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई करनी ही क्यों है, घर से दूर रहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। पर देविका पढ़ाई में इतनी अच्छी है, अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन गई तो इसकी 2 बहनें भी इसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। 3 लड़कियां हैं मेरी, मैं उनमें से किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकता। बाय चांस एक के साथ कुछ इधर उधर हो गया तो तीनों की शादी में दिक्कत हो जाएगी। पापा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके कहे हुए हर एक बात का ध्यान रखूंगी। प्लीज पापा मना मत कीजिए, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मान जाइए ना, देविका के पापा बेटी को बाहर भेजने बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर माँ बेटी दोनों इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो हाँ तो नहीं बोले, पर जो करना है करो ये बोल के वहां से चले गए। देविका भी ठान ली थी कि अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएगी, जैसे उसके पापा उसे लेकर गर्व महसूस करें। माँ मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। सब पैक कर ली है ना? हाँ माँ, अब कितनी बार पूछोगी आप। देख देविका, तेरे हर एक डिसीशन पे तेरी 2 बहनों की फ्यूचर टिकी हुई है, फूक फूक के कदम रखना बेटी। हाँ माँ मुझे पता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। देविका आगे की पढ़ाई करने नए शहर में आ गई, एक पीजी देख के वहां पे रहने लगी और अगले दिन से कॉलेज में क्लासेस भी शुरू हो चुके थे। कॉलेज में नए बैच आते ही पुराने बैच के लड़के तो वैसे भी अपने लिए लड़कियां देखने लग जाते हैं, जैसे कोई स्वयंवर चल रहा हो। ठीक वैसे ही आकाश नाम का एक लड़का देविका को पसंद करने लगा। हाय देविका, मैंने सुना तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, वैसे कहां से हो तुम? देखिए मैं आपको नहीं जानती और ना ही मुझे इस सब के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ओह कम ऑन देविका, ये गर्ल्स स्कूल नहीं है जो गेट के पास किसी लड़के को देख के तुम भाग जाओगी। कल भी मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा, तुम्हारा सीनियर हूँ मैं, आकाश वर्मा। सीनियर शब्द सुनते ही देविका थोड़ी सी डर गई और सिचुएशन संभालते हुए बोल पड़ी, सर एक्चुअली मेरे पापा आए हैं, पीजी में कब से वेट कर रहे हैं मेरा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ओके आई एम सो सॉरी, तुम जाओ। आज तो देविका जैसे तैसे झूठ बोल के आकाश से छुटकारा पा ली, पर अगर वो कल फिर से उसका रास्ता रोका तो वो क्या करेगी, ये सोच के देविका थोड़ी सी परेशान थी कि तभी, हेलो आई एम सोनी, तुम्हारी रूममेट। हाय सोनी, मैं देविका। अच्छा सुनो देविका, ये मेरा सामान है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं रात को वापस आऊंगी। रात को? अरे तुमसे अब क्या छुपाना, तुम तो मेरी रूममेट हो, मेरा बॉयफ्रेंड आया है, हम डेट पे जा रहे हैं। ओके बाय, सी यू। अरे ये लड़कियां पढ़ाई करने आती हैं
और ये सब क्या करती हैं? खैर मुझे क्या। अगले दिन भी क्लास खत्म हो जाने के बाद देविका जल्दी जल्दी में पीजी वापस आना चाहती थी कि तभी आकाश ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। हेलो, क्या चाहते हैं आप? क्यों रोज रोज मेरा रास्ता रोक रहे हैं? कॉफी पे चलोगी मेरे साथ प्लीज? ओके चलिए। अरे मान गई इतनी जल्दी, वाव। देविका चलो चलते हैं फिर। देविका आकाश के साथ कॉलेज के पास वाली एक कॉफी शॉप में गई। देविका के साथ बात हुई थी आज? हाँ, सुबह कॉलेज जाने से पहले कॉल की थी मुझे। रेगुलर बात करते रहना उसके साथ, कहीं कुछ गलत काम ना कर दे। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। हमारी देविका ऐसी वैसी लड़की नहीं है, उसे अच्छी तरह से समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा होगा अगर वो सच में ऐसी ही रही तो। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे ये प्यार प्यार की बातें करके फंसा लेंगे। मैं पढ़ाई करने आई हूँ यहाँ पे, लड़का ढूंढने नहीं। अरे देविका, सबके सब यहाँ पे पढ़ाई करने ही आते हैं, कोई प्यार करने तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता। बट यू नो, प्यार एक ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी हो जाता है, कभी किसी की इजाजत नहीं मांगता, जैसे मुझे तुमसे हो गया है। बस कीजिए, बहुत हो गया। आपकी कॉफी खत्म हो गई है तो चलिए, मुझे लेट हो रहा है। इस बार तो आकाश देविका को पटा नहीं पाया, पर अपने प्लान में एकदम पक्का था वो कि देविका को वो एक ना एक दिन जरूर पटा लेगा। देविका, तुम हमेशा से इतनी पढ़ाई करती हो या यहाँ पे आने के बाद से सीरियस हो गई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे बस इसी उम्मीद से यहाँ पे भेजे हैं ताकि मैं कुछ कर दिखाऊं, और मैं भी चाहती हूँ कि पापा की उम्मीद पे खरी उतरूं। बाप रे, इतना लंबा प्लान। मेरे पापा भी तो स्ट्रिक्ट हैं, पर आज तक कभी मुझे मेरे पढ़ाई को लेकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें भरोसा है मुझ पर। मैं हर बार बेहतर करूंगी। शायद तुम्हारे पापा को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। एक्चुअली हम तीन बेटियां हैं, पापा हम में से किसी को भी घर से दूर भेजने से डरते हैं। अरे अरे अरे, देखो मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया, मैं नीचे जा रही हूँ मिलने। पर सोनी, 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है। सो व्हाट, मैंने बोला ना, मैं हर बार बेहतर ही करती हूँ, इसीलिए नो वरीज। सी यू, बाय। पता नहीं ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के ये सब पढ़ाई से डाइवर्ट नहीं हो जाते? कैसे मैनेज करते हैं दो दो चीजें एक साथ? कॉलेज में देविका आकाश को रोज देखती थी, पर आकाश देविका को भाव नहीं देता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि किसी लड़की के पीछे ज्यादा भागने से खुद की वैल्यू कम हो जाती है। देविका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो आकाश के साथ बात करे, वो तो बस अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी। फिर एक दिन, आप सबको एक्साइटमेंट होगा ये जानने के लिए कि इस सेमेस्टर का टॉपर कौन है। नोटिस बोर्ड में 3 स्टूडेंट्स के नाम छोड़ के बाकी सबके मार्क लिस्ट शेयर कर दी गई है, और वो 3 स्टूडेंट्स इसी बैच के 3 टॉपर्स हैं। फर्स्ट पोजीशन में देविका, यानी कि इस सेमेस्टर का टॉपर। सेकंड पोजीशन में सोनी, और थर्ड पोजीशन में प्रीतम। कांग्रेचुलेशंस टू 3 ऑफ यू। व्हाट, मैं सेकंड पोजीशन में और ये देविका फर्स्ट पोजीशन में, पर कैसे? सोनी, क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों हो? अपसेट? नहीं तो, मुझे बस घर की याद आ रही थी। मुझे भी रिजल्ट आने के बाद घर जाने को बहुत मन करता है ना, पर पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। पर तुम तो हमेशा से बोलती हो कि तुम्हें घर की याद नहीं आती, फिर आज अचानक से? अरे बाबा कुछ नहीं,
बस कुछ पर्सनल बातें हैं, जाने दो। अच्छा ठीक है, मैं डिनर करने नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ चलो मैं आती हूँ। आखिर ये इतनी आगे कैसे निकल गई, मुझे भी पीछे छोड़ दी। फर्स्ट पोजीशन इसकी और सेकंड मेरा, हाउ इज दैट पॉसिबल। मैं तो आज तक कभी सेकंड पोजीशन में नहीं आई। फिर ये देविका मेरे ही साथ एक ही रूम में रह के यहां तक कैसे पहुंच गई। सोनी बचपन से अब तक हमेशा ही क्लास में फर्स्ट पोजीशन में रहती आई थी, और अचानक से हायर क्लासेस में आते ही देविका ने उसे मात दे दिया, तो उसे अपने आप पे यकीन नहीं हुआ। इसीलिए सोनी ने भी ये तय कर लिया था कि किसी भी तरह देविका को नीचे गिरा के ही रहेगी। और इत्तेफाक से सोनी का बॉयफ्रेंड साहिल का दोस्त उनका सीनियर आकाश निकला। सोनी, तुम हमारे ही कॉलेज में पढ़ती हो, मुझे ये बात आज ही पता चला। पर मैंने साहिल से सुना था कि कोई आकाश है इस कॉलेज में जो इनका बचपन का दोस्त है। इसके अलावा भी मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, देविका को प्रपोज जो किए थे आप। हाँ देविका। अच्छा, अरे वो तो ऐसे ही शुरू शुरू में नई लड़कियाँ देख के कोई भी सीनियर प्रपोज करने लगता है। मैंने भी थोड़ा ट्राई मार लिया था पर बात कुछ बनी नहीं। तो अब बन जाएगी, मैं जैसे बोलती हूँ आप ठीक वैसे ही करते जाइए, जल्द ही देविका आपके बाहों में होगी, ट्रस्ट मी। ओके, आई एम रेडी। अरे देविका, अभी अभी तो रिजल्ट आया है और तुम पढ़ाई कर रही हो, थोड़ा चिल करो, बाहर घूमने निकलो। क्या तुम भी ना किताब का कीड़ा बन गई हो। सोनी, मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मैं उसके साथ बाहर घूमने जाऊं, इसीलिए। इसीलिए व्हाट? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें आज से बाहर घुमाने लेके जाऊंगी, ओके? हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम भी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। फोकस? व्हाई? मैं तो तुम्हें शुरू से बोली थी कि मेरा लव लाइफ और पढ़ाई दोनों अलग अलग ट्रैक पे चलते हैं। मैं किसी को किसी के साथ क्लैश नहीं होने देती, तभी तो बचपन से अब तक हमेशा ही अच्छे मार्क्स में पास हुई हूँ। हाँ यार, मैंने तो वो देख ही लिया, पर सच में तुम दोनों चीज एक साथ कैसे मैनेज करती हो? मैंने सुना है प्यार के साथ पढ़ाई कभी नहीं होती। सब बेकार बातें हैं, जो होनहार है वो सब कर लेता है, और जो डरपोक है वो तुम्हारी तरह डरते ही रहते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है आज मैं साहिल के साथ एक अनाथ आश्रम गई थी, और वहाँ पे पहले से ही आकाश भैया हमारा सीनियर वो थे, कितने सारे कपड़े खाना फ्रूट्स बच्चों में बांट रहे थे। सच अ नाइस पर्सन ही इज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, कल तो छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है चलेंगे। अगले दिन सोनी के साथ देविका बाहर घूमने निकली। दोनों एक गार्डन में बैठकर काफी देर तक प्यार और पढ़ाई के बारे में बात करते रहे। सोनी पूरी तरह से इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे देविका को उसके जैसे प्यार के ट्रैक पे ले आए, कि तभी पास के बेंच पर। सो व्हाट्स नेहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, यही सच है। घर वालों के बोलने पर सगाई कर ली थी मैंने, तो क्या अब मेरे गले पड़ोगी तुम? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझ गई? शादी नहीं करनी तो मैं कहाँ जाऊंगी, तुम 2 सालों से मेरे साथ। हाँ, तुम्हें भी मजा आ रहा था और मुझे भी, क्या गलत किया मैंने? अब मेरा पीछा छोड़ो प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ आगे और नहीं रहना, मैं बोर हो चुका हूँ। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं। तो जाओ मरो, मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, अब जरूरत पूरी हो गई। भगवान के लिए किसी दूसरे लड़के को ढूंढ लो और मुझे बख्श दो। विकी, तुझे तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, पर उससे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आकाश, तू कौन होता है हमारे बीच बोलने वाला? स्नेहा मेरी बहन लगती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा।
क्या कर लेगा तू? हाँ कुछ नहीं, तुझे बस सेक्शन 375 के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। सेक्शन 375 यानी कि रेप? हाँ ठीक समझा, रेप। तुझे क्या लगता है तू किसी लड़की की जिंदगी यूं बर्बाद कर देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ पर आकाश प्लीज यार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तू स्नेहा से शादी नहीं कर सकता तो उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया था? और फिजिकल रिलेशन सीरियसली? ओ गॉड गलती हो गई मुझसे, स्नेहा प्लीज माफ कर दो। माफी तुझे तब मिलेगी जब तू स्नेहा से शादी करने तैयार हो जाएगा। अब जा यहां से, 10 दिन का टाइम देता हूं, शादी की डेट डिसाइड कर लेना नहीं तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। आकाश मैं विकी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ के नहीं जी सकती। पता है स्नेहा, सब पता है मुझे, तू चिंता मत कर, विकी की शादी तेरे साथ होकर ही रहेगी, ये मेरा वादा है, तू चल मेरे साथ। वाव आकाश भैया तो सच में एक हीरो निकले, उस दिन अनाथ आश्रम में इतना सब कुछ बच्चों में बांट रहे थे और आज इस लड़की की जिंदगी बचा दी। काश मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता। हाँ सोनी मैं इन्हें बहुत गलत समझती थी पर ये तो हीरा निकले, वाह लड़का होता ऐसा। देविका एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में मन नहीं करता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके साथ बात करो, अपना दुख सुख शेयर करो, कभी कभार बाहर घूमने जाओ? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हाँ अगर कोई लड़का मिल गया और सब कुछ अपने आप होता गया तो ठीक है, मैं तो अपने से चल के कोई एफर्ट नहीं लेने वाली, यू नो इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। हाँ पर अगर तुम किसी को अपने लाइफ में आने ही नहीं दोगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे सोनी असल बात यह है कि मुझे अगर किसी से प्यार होता है तो उसी के साथ ही शादी करनी है मुझे। ये बॉयफ्रेंड बार बार चेंज करना या फिर किसी से प्यार किसी और से शादी ये सब नहीं होगा मुझसे, मैं बस सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। तब तो मैं कहूँगी कि आकाश भैया ही तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। क्या कहती हो? हाँ शोभित ही देविका के लिए बेस्ट है, लड़का पढ़ाई में होनहार था और अब मलेशिया में नौकरी करता है। मैं तो कहूँगा कि देविका की पढ़ाई रहने देते हैं और जल्दी उसकी शादी शोभित के साथ करवा देते हैं। पर पढ़ाई को बीच में बंद करके शादी करवा देना क्या सही रहेगा? नहीं उसे पढ़ाई कंप्लीट करने दीजिए। पर तब तक अगर ये लड़का किसी और से शादी कर ली तो ठीक है जाने दीजिए इसे, हमारी देविका इतनी सुंदर है पढ़ी लिखी है, उसे तो एक से बढ़ के एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? ना मैं हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इस लड़के को और उसके परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देंगे, देविका जिंदगी भर खुश रहेगी इस लड़के के साथ। देखिए मैं देविका को इस लड़के के बारे में बता दूंगी और पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी इसके साथ कर दी जाएगी, ये भी अच्छे से समझा दूंगी, आप बस उसे और 2 साल दे दीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई खत्म कर ले। अच्छा ठीक है समझा देना उसे, मुझे वहाँ पे पढ़ाई के चक्कर में कोई अफेयर वफेयर नहीं चाहिए, याद रखना तुम भी और तुम्हारी वो लाडली बेटी भी। माँ पापा हमेशा दीदी की पढ़ाई को लेकर इतना क्यों सुनाते रहते हैं? और शादी अभी से क्यों? उसे कुछ बनने तो दीजिए पहले, फिर शादी कर लेगी वो। लतिका तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है हर काम में, पर पापा भी गलत नहीं है, एक्चुअली उनके इतनी डरने की वजह उनकी इकलौती बहन वसुधा है। पापा की बहन भी है? कहाँ है वो? अब वो नहीं रही, इसी पढ़ाई के चक्कर में घर से दूर रहने दिए थे उसे तुम्हारे पापा, जितना पैसा मांगती थी उसे सब कुछ देते थे, पर आखिर में वो किसी से प्यार करके उसके साथ भाग गई,
और वो भी पापा को बिना बताए। और 2 साल बाद उसके ससुराल से खबर आई कि वो खुदकुशी कर ली है। पापा को तो जैसे सदमा लग गया। खुदकुशी? मगर क्यों? हाँ, वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी। बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत इनोसेंट। उसे तो वो लड़के ने फंसा लिया था, इसीलिए पापा डरते हैं कि कहीं देविका के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। माँ, वो सब तो ठीक है, पर प्यार व्यार तो सब किस्मत का खेल होता है ना, किसी के हाथ में ये नहीं होता। जब जिसके साथ होना हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं। माँ, तू बड़ा मुझे ज्ञान दे रही है, वो भी प्यार के बारे में। लगता है तेरी शादी दीदी से पहले करनी पड़ेगी। ओ नहीं नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं चली अपना प्रोजेक्ट बनाने। अरे यार, प्रोजेक्ट्स तो बनते ही रहेंगे, अब चल बाहर कहीं डिनर करने चलते हैं। क्या बात है, आज अचानक से डिनर का प्लान? तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? कोई नया बॉयफ्रेंड बना ली क्या तुमने? अरे नहीं बाबा, तुम चलो तो सही, मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें इनवाइट किया है, क्योंकि आज हमारा सेकंड लव एनिवर्सरी है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देविका ज्यादा कुछ पूछे बिना सोनी के साथ डिनर करने चली गई। और रेस्टोरेंट में देविका का बॉयफ्रेंड, देविका और सोनी तीनों एक साथ डिनर करने बैठे थे कि तभी अचानक से आकाश वहां पे आकर पहुंचता है। हे बड़ी, तू यहाँ पे? आकाश, तू बता, तू यहाँ पे कैसे? मैं तो ऐसे ही डिनर करने आया था, तो फिर आजा, हमारे साथ ही कर ले। तभी आकाश की नजर पड़ती है देविका के ऊपर और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं यार, तेरे साथ तो ये दोनों हैं, शायद मेरे वजह से कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। देविका, आकाश भैया तुम्हारी वजह से चले जाने को बोल रहे हैं, उन्हें रोको ना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। चारों बड़े मजे से डिनर खत्म करके थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकले। देविका तो अपने लाइफ में कभी भी नाइट लाइफ नहीं देखी थी, अब इतने अच्छे शहर में दोस्तों के साथ घूमने का मजा ही कुछ अलग था। उसे क्या, किसी को भी अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे आकाश भी देविका के साथ बात करना शुरू कर दिया था। अब देविका ये मानने लगी थी कि आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बात करने में या फिर आगे कुछ रिलेशन बन भी जाए तो कोई गलती नहीं होगा। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं भला। अरे सुनो, काफी लेट हो चुका है, तुम दोनों को हॉस्टल वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो वार्डन से डांट पड़ेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सोनी, क्या हम चलें? हाँ तो चलो, तुम दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उस रात के बाद देविका आकाश को और ज्यादा पसंद करने लगी थी और आकाश भी सिचुएशन का फायदा उठा के फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था। उनके बीच बातचीत भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी। देविका, पापा ने तेरी शादी पक्की कर दी है, लड़का मलेशिया में वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा परिवार है, बस तेरी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार है हमें। शादी? पर माँ, मैं तो आकाश से। आकाश? क्या आकाश? देविका, कौन है ये आकाश और तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। माँ, आकाश हमारा सीनियर है और बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे। मैं आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम वो आकाश के बारे में जो सोच रही हो और जहां तक सोची हो, अभी के अभी वो सब भूल जाओ। पापा के सामने गलती से भी किसी लड़के का नाम मत ले लेना। तुम्हारी शादी शोभित के साथ पक्की कर दी गई है, बस यही याद रखना है तुम्हें। माँ, ये शोभित? तुम्हारा उससे पहचानना हम जरूरी नहीं समझते,
यही बेहतर होगा कि तुम जल्द ही पढ़ाई खत्म करके इसी लड़के के साथ शादी कर लोगी तो। हे भगवान, देवी का ये क्या बोल रही है? वो किसी आकाश नाम के लड़के से प्यार करने लगी है। अगर उसके पापा को पता चलेगा तो आज के आज जाकर उसे घर ले आएंगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी उसकी। क्या बात है सावित्री, कौन सी सोच में डूबी हुई हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो देविका से बात कर रही थी। उससे बता दिया मैंने कि आपने उसकी शादी शोभित के साथ पक्की कर दी है। क्या कहा उसने? वो क्या कहेगी भला, मैंने उसका परमिशन थोड़ी मांगा था, बस सुना दिया हमारा फैसला। सही किया। माँ ने ये क्या कहा, मेरी शादी पक्की हो गई है, पर मैं तो आकाश से प्यार करने लगी हूँ। फिर तभी देविका को आकाश का फोन आता है। हेलो, हाँ आकाश बोलो। देविका, मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था, नीचे आ जाओ ना प्लीज। अभी आई। फिर आकाश देविका को लेकर पास के गार्डन में घूमने निकल गया। देविका, क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? माँ का फोन आया था कि पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या शादी अभी से? सीरियसली, तुम तो अभी शादी के लिए बहुत छोटी हो। अभी नहीं, 2 साल बाद। ओके, तो फिर हमारे पास 2 साल हैं। क्या क्या मतलब है कि हमारे पास 2 साल हैं? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ पापा को मनाने के लिए हमारे पास अभी 2 साल टाइम है, तुम डरो मत। अरे प्यार में लोग क्या कुछ कर जाते हैं, और हम दोनों तुम्हारे माँ पापा को कन्विंस भी नहीं कर सकते क्या? और वैसे भी हर लव मैरिज के पीछे तो लड़की या फिर लड़के की शादी किसी ना किसी के साथ तो घर वाले फिक्स कर ही देते हैं, पर बाद में प्यार के सामने सबको हार मानना ही पड़ता है, डोंट वरी। पर आकाश, मेरे पापा अलग हैं। अभी तुम ये सब सोचना बंद करो, और हाँ मेरे बारे में घर पे किसी को कुछ भी मत बताना। जब पढ़ाई खत्म करके मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं खुद तुम्हारे घर पे जाकर उनसे बात करूंगा, ओके? तुम सच में मुझसे शादी करोगे आकाश? देविका, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी के साथ प्यार, किसी और से शादी, ना। मैं तो सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ, जिससे प्यार करूँ उसी से ही शादी करके घर बसाऊँ। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो एकदम मेरी जैसी है, लगता है भगवान हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाए हैं। एकदम सही कहा तुमने। अच्छा सुनो, आज रात को एक क्लब में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। रात को बाहर, वो भी क्लब में? ना बाबा ना, आकाश पापा को अगर पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे चलो ना, इतना क्या सोच रही हो, शाम को घर पे कॉल करके बता देना, बहुत सरदर्द कर रहा है और मैं सोने जा रही हूँ, फिर घर वाले तुम्हें कॉल करके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तुम तो ब्रिलियंट हो, इतनी पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, चलो ना देविका प्लीज। ठीक है चलते हैं फिर। देविका अपनी राह से भटक चुकी थी। ऐसे ही लड़कियों को ट्रैप में फंसाया जाता है, पहले पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें सातवीं आसमान में चढ़ा देते हैं, फिर अपना काम निकाल लेने के बाद शक्ल तक नहीं देखते। देविका भी बहुत इनोसेंट थी, ये सब कहां समझ पाती भला। वाओ आकाश, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, काश लाइफ ऐसी होती कि हर शाम इंसान ऐसे ही जगह पे बिताता। मेरे साथ रहोगी तो लाइफ ऐसी ही होगी, ट्रस्ट मी। बड़े शहर की चाल ढाल में देविका अब ढल चुकी थी। आकाश और उसकी रूममेट सोनी अपने अपने फायदे के लिए देविका को उसके पढ़ाई से पूरी तरह से डाइवर्ट कर चुके थे, और देखते ही देखते उनका सेकेंड सेमिस्टर भी खत्म हो गया। वाओ, इसे कहते हैं तरक्की, कांग्रेचुलेशन सोनी। थैंक यू सर। पूरे मेहनत के साथ सोनी इस बार टॉपर के पोजीशन में पहुंच गए हैं। आई होप कि आप सब भी इनके तरह फुल डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करके आगे बढ़ें,
और देविका, लगता है इस बार आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं। लास्ट सेमिस्टर का टॉपर इस सेमिस्टर में इतना पीछे, अनबिलीवेबल। रिजल्ट सुनने के बाद देविका बहुत दुखी हो गई और हॉस्टल वापस आकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। आकाश उसे बार बार कॉल करता रहा, पर देविका आज किसी के भी साथ बात करने के मूड में नहीं थी। हाय देविका, क्या बात है, अपसेट लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आकाश भैया का कॉल आया था, तुम उनका फोन रिसीव नहीं कर रही? मुझे मूड नहीं है बात करने को, इसीलिए। अरे देविका, ये एकेडमिक्स में सब आगे पीछे तो होते रहते हैं, इसमें इतना क्या दुखी हो रही हो? मेरे टॉपर होने की खुशी में मेरा बॉयफ्रेंड पार्टी दे रहा है, आकाश भैया भी आ रहे हैं, चलो तुम भी चलो। नहीं सोनी, मुझे घर से कॉल आएगा और मैं बाहर नहीं जा सकती। ओह कम ऑन यार, अब तो तुम सीख भी चुकी हो कि घर वालों को क्या बोल के कैसे हैंडल किया जाता है, फिर डर किस बात का? पर सोनी। अरे चलो ना प्लीज, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे बगैर पार्टी करने नहीं जाऊंगी। हाँ देविका तो बेकार की दोस्ती और फालतू की पार्टी अटेंड करने में इन्वॉल्व हो चुकी थी, अब कैसे मना कर पाती और कैसे ऑल ऑफ सडन बाहर निकल पाती इस सब से? उसे पार्टी अटेंड करना ही पड़ा। सब कुछ वैसे ही पहले की तरह चलता रहा, देविका आकाश के साथ और क्लोज होने लगी थी, पर इस बार वो हमेशा कोशिश करती रही कि अपने पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता था। अरे ये आकाश कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? उसका तो कॉलेज खत्म हो गया है, अभी जॉब सर्च करने में लगा हुआ होगा, और जैसे ही जॉब मिल जाएगी मेरे माँ पापा के साथ बात करने हमारे घर पे जाएगा वो। वाओ, सच अ नाइस पर्सन। नहीं, मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वो फ्री होकर मुझे जरूर कॉल करेगा। अब मुझे क्या टेंशन है डार्लिंग, पढ़ाई तो खत्म हो गई, जॉब वॉब ढूंढना अभी नहीं करूंगा मैं, एक साल तो फुल मस्ती में टाइम बिताना है मुझे, फिर सोचूंगा लाइफ में क्या करना है आगे। डार्लिंग, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी तो जॉब चल रही है ना, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे ऐसे ही खुश करते रहो। तुम्हारा यही एक अंदाज मुझे बहुत पसंद है, टिपिकल लड़कियों की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं हो जो बस शादी और बच्चे के बारे में सोचती रहती हैं। उस दिन देविका गार्डन में काफी देर तक आकाश का इंतजार करती रही, इधर एग्जाम भी सर पे था, पर वो चाहती थी कि आकाश से मिलके बात कर लेगी तो आराम से पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी। आकाश 3 दिन पहले बोला था मुझसे मिलने आएगा, पर नहीं आया, फिर कल बोला कि आज गार्डन में मिलेगा, और मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं एक कॉल करके भी तो मना कर सकता था। खैर अब हॉस्टल वापस चली जाती हूँ, पढ़ाई भी करनी है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, पर आकाश का ना तो कोई कॉल आया और ना ही मैसेज। देविका बहुत बार ट्राई कर ली, पर बस रिंग्स जा रहे थे, आकाश ने बिल्कुल भी कॉल पिक नहीं किया। सोनी, आकाश से बात हुई थी तुम्हारी? आकाश भैया के साथ मैं क्यों बात करूंगी उनसे, मेरा क्या लेना देना उनके साथ? एक्चुअली 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे यार बिजी होंगे, तुम्हें याद है ना कल हमारा एक पेपर है, तुम एग्जाम पे ध्यान दो। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रही, पता नहीं आज तक तो कभी आकाश ने ऐसा नहीं किया, फिर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, तुम बालकनी में जाकर अपना पर्सनल केस के बारे में सोचो प्लीज। और देविका कब घर आ रही है? सेमिस्टर एग्जाम चल रहा है उसका, शायद खत्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए आ जाएगी। पहले पहले तो बहुत बोलती थी कि घर जाना है, घर का खाना याद आ रहा है, बहनों की याद आ रही है, अब काफी महीनों से हमारे फोन कॉल्स भी अवॉइड करने लगी है,
तुम्हें ये सब सही लग रहा है सावित्री? हाँ, इसमें डाउट क्या करना। शुरू शुरू में हॉस्टल में किसका मन लगता है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाते हैं। और वैसे भी बस एक साल ही तो बचा है, उसके बाद तो वो वापस आ ही जाएगी, है ना? मेरी बहन वसुधा भी मेरे साथ ऐसे ही बात करना कम करती गई। मैंने भी ठीक ऐसे ही सोचा था कि पढ़ाई में बिजी हो गई है, पर नहीं, असल में बात कुछ और थी। तुम बेटी को समझाते रहना सावित्री, अगर वो गलती से भी किसी से प्यार करती होगी तो मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अरे आप भी ना, देविका वसुधा जैसी क्यों करेगी, मेरी तो रोज बात होती है उसके साथ, बस पढ़ाई में उलझी हुई है और कुछ नहीं। देविका को तो बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब उसके पापा को भी डाउट होने लगा है, क्या वो सच में उस आकाश के साथ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, बहुत भोली है। इधर देविका बहुत परेशान हो गई थी, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था उसका, हर पल बस मोबाइल उठा के आकाश का मैसेज चेक कर रही थी, पर आकाश तो ऑलरेडी दूसरी जगह बिजी हो चुका था। देविका के लिए ये एक हफ्ता बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया, पर उसने ठान लिया था कि एग्जाम खत्म होते ही वो आकाश को जरूर ढूंढ निकालेगी। देविका, आज का पेपर कैसा रहा तुम्हारा? कुछ खास नहीं, थैंक गॉड एग्जाम खत्म हो गया, मुझे अब आकाश से मिलना चाहिए, पता नहीं किस हालत में होगा वो, काफी दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ, मुझे तो लगता है वो जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड से पूछा था कि आकाश से बात हुई या नहीं, उसने भी यही बोला कि आकाश फोन पिक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उसके घर के एड्रेस पे जा रही हूँ, शायद वो वहाँ पे मिल जाए। सोनी, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अरे एग्जाम के चक्कर में मैं इतने दिनों से ढंग से सोई भी नहीं हूँ, आज मुझे सोना है यार, मैं नहीं आ सकती, चलती हूँ, बाय। मैं इसके लिए पढ़ाई बंद करके कितनी बार पार्टी करने गई हूँ, और ये मेरे साथ एक घंटे के लिए भी नहीं जा सकती, कितनी सेल्फिश है। नहीं, ये क्यों सेल्फिश होगी, मैं ही गधी हूँ। देविका आकाश के बताए हुए एड्रेस पे अकेले जाने को तय कर ली और बिना देर किए एक कैब बुक करके डायरेक्ट कॉलेज से ही निकल पड़ी। मैडम, मैडम, हम पहुंच गए क्या? नहीं मैडम, आपने जो एड्रेस बोला था वैसा कोई घर मिल ही नहीं रहा, मैं पिछले आधे घंटे से यहीं पर गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। आप गलत एड्रेस बोल रही हैं मुझे। गलत एड्रेस? पर ये कैसे हो सकता है, ये एड्रेस तो मेरे पास। मैडम, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा, अब आपको वापस चलना है या फिर इसी एड्रेस को ढूंढना है? नहीं भैया, वापस ही चलते हैं, मुझे कॉलेज के पास ड्रॉप कर दीजिए। देविका कॉलेज वापस जाकर सीनियर बैच के किसी को ढूंढ के आकाश के बारे में पूछना चाहती थी, नहीं तो वो एटलीस्ट क्लर्क से पता करेगी कि आकाश का सही एड्रेस क्या है। पता नहीं सीनियर कोई मिलेगा भी या नहीं, कॉलेज खत्म होने के बाद तो उनके बैच वाले आना ही बंद कर दिए हैं। खैर, मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाई, फिर कॉलेज के अंदर जाऊंगी। लंच करने के लिए जब देविका कॉलेज के पास वाली एक कैफे में जा रही थी, तभी उसकी नजर पड़ी पास के एक गार्डन में, जहाँ पे शायद कोई शूटिंग चल रहा था। अरे ये तो वही लड़की है, क्या नाम था, हाँ स्नेहा, ये तो आकाश की बहन लगती है, इसे ही आकाश के बारे में पूछ लेती हूँ। हाय स्नेहा, मैं देविका। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू देविका? आप आकाश की बहन लगती है ना, 10 दिनों से आकाश के साथ मेरी बात नहीं हो पा रही, आप अगर उनका एड्रेस दे देंगे मुझे तो मैं जाकर उनसे मिल लूंगी, प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन आकाश? मैं किसी आकाश को नहीं जानती।
नहीं जानती? ये क्या कह रही हैं आप? उस दिन जब आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करने तैयार नहीं हो रहा था, तब आप रो रही थी और बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी उसके बिना, और आकाश वहाँ पे पहुँच कर आपके बॉयफ्रेंड विकी को पुलिस की धमकी दी और फिर वो शादी के लिए मान गया, है ना? अब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मेरा बॉयफ्रेंड विकी? कौन है वो? ओ, तो तुम जरूर उस शूट के बारे में बोल रही हो। शूट? हाँ, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मुझे शॉर्ट मूवीज के लिए ऑफर्स आते रहते हैं। और हाँ, कोई आया था आकाश नाम का, जो मुझे पैसे देकर बस 10 मिनट के लिए शॉर्ट मूवी बनाने का ऑफर दिया। फिर नेक्स्ट डे एक लड़की, क्या नाम था, हाँ सोनी, उसने मुझे स्क्रिप्ट भेजा था। मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे, फिर पता नहीं क्या हुआ, बाद में कांटेक्ट भी नहीं किए वो दोनों, खामोखा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। व्हाट? वो सब स्क्रिप्टेड था? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। ये देखो, यहाँ पे भी तो शूट ही चल रहा है ना। ओह माय गॉड, क्या बात है देविका, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? नहीं थैंक यू। देविका गार्डन के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसे थोड़ा बहुत समझ आ चुका था कि आकाश और सोनी दोनों मिलके उसे फंसाने के लिए ये प्लान किए थे। अब आकाश तो नहीं मिल रहा, पर वो सोनी को जरूर सुनाएगी। ये सोच के वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई। हॉस्पिटल में क्या हुआ है मुझे? थोड़ा ध्यान रखा करो अपना, आसपास के लोग तुम्हें गार्डन से उठा के नहीं लाते तो तुम वहीं पर पड़ी रहती। प्रेगनेंसी को थोड़ा सीरियसली लो। प्रेगनेंसी? जी हाँ, अब से थोड़ा केयरफुल रहो, ओके? नर्स ने तो देविका को उसकी प्रेगनेंसी की बात इतनी आसानी से बोल दी, पर ये सुन के देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आकाश, जिसपे वो इतना भरोसा करती थी, जिससे शादी करने की सपने देखती थी, उसने इसे ऐसी मुसीबत में डाल के छोड़ दिया था। देविका अब हॉस्पिटल में थोड़ी रुकती, वो चांस देखकर वहां से तुरंत ही निकल आई। बहुत हो गया, मैंने इन पे इतना भरोसा किया और ये दोनों मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे। जब तक आकाश ना मिले मैं उसे ढूंढती रहूंगी, पर सोनी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली मैं। क्लास में मेरा पोजीशन लेने के लिए इतना घटिया खेल, वाह, दोस्ती करना कोई इनसे सीखे। देविका अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, और वो सोनी से बात करने जब हॉस्टल पहुंची तो वहां पे सोनी का कोई नामो निशान नहीं था। सोनी कहां गई और उसका सारा सामान कहाँ है? क्या मैडम, कैसी रूममेट हो? सोनी तो एक महीना पहले ये पीजी छोड़ने नोटिस दे चुकी थी। आज उसका लास्ट डे था यहाँ पे, एग्जाम के बाद चली गई। लास्ट डे था, चली गई यहाँ से? अब वो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ पे रहने गई है, और हाँ जल्द ही उस रूम में एक नई लड़की आएगी। मैं अब क्या करूँ, इससे कैसे बाहर निकलूं? कौन मेरे साथ खड़ा होगा? देविका सुबह से मुझे कॉल नहीं की, आज एग्जाम का लास्ट पेपर था, पर उसके बाद तो वो जरूर कॉल करती, फिर अभी तक कहाँ रह गई? हेलो माँ। देविका, तो इतनी देर से क्या कर रही थी, आज एक बार भी कॉल नहीं की मुझे? माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं उस आकाश के रिलेटेड कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तू क्यों नहीं समझ रही देविका, पापा ने तेरी शादी पक्की कर दिए हैं, और वो ये सब लव वॉव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जब भी उन्हें पता चलेगा कि तू किसी आकाश से प्यार करती है तो वो तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर खुद का कुछ नुकसान जरूर कर देंगे। माँ,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ अब भी वक्त है देविका, संभल जा। सावित्री, सावित्री। सुन, पापा बुला रहे हैं, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे आज से, पापा ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। तू अपना ध्यान रखना देविका, और वो आकाश को भूल जा प्लीज। माँ ने बिना कुछ सुने फोन काट दिया, और पापा को ये सब पता चला तो वो सच में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मैं क्या करूं, किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, किसको बताऊं? ये सोचते सोचते देविका कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी ना तो वो रूम से बाहर निकली और ना ही किसी का फोन रिसीव की। 2 दिन तक बिना खाए पिए अकेली रूम में पड़े पड़े सिर्फ ये सोचती रही कि अब वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखाए। फिर एक दिन, इतनी सुबह सुबह कौन आया है इस रूम में? हाँ देविका, मैं जब आज सुबह इस रूम में शिफ्ट हुई तो बहुत अजीब सा लगा तुमसे मिलके। बहुत डिस्टर्ब थी तुम, और तुम्हारी बातों से मुझे डाउट हो गया था कि तुम शायद कुछ उल्टा सीधा करने वाली हो। मैं और क्या करती, किससे बताती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है? देविका, तुम्हारे साथ किसी ने चीटिंग किया है, फिर तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन दोनों ने मिलके तुम्हारे साथ ऐसा घटिया खेल खेला। सजा? कैसे मिलेगी सजा उन्हें? मेरी लाइफ तो हेल हो गई, मेरे पेट में उसका बच्चा, हे भगवान। पर डॉक्टर ने माँ पापा को ये बात बताई कैसे नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? देविका, मुझे डॉक्टर ने पहले बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट थी, और सुसाइड अटेम्प्ट के वजह से तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। क्या? हाँ, फिर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे सुसाइड का रीजन शायद यही है, इसीलिए मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना की। एक तो सुसाइड, दूसरी ये प्रेगनेंसी की बात, किसी के भी माँ पापा ये सब कहाँ हजम कर पाएंगे। अमृता, एक लड़की ने मुझसे दोस्ती करके मेरी जिंदगी नर्क बना दी, और तुम बिना किसी जान पहचान के मेरे लिए इतना सब कर रही हो? इसीलिए बोल रही हूँ कि खुद को हार्म करना बंद करो। दुनिया में बुरे लोग हैं, बहुत हैं, पर अच्छे भी तो हैं। हमें अच्छों के साथ रहना है, बुरे लोगों के साथ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए सुसाइड कर ली जाए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं देविका, जो तुमसे भी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनके पास सलूशन नहीं है, फिर भी वो जीना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, पर पता नहीं कितने दिनों तक ये पॉसिबल है। क्या बोल रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो ना, जाने दो, नथिंग इम्पोर्टेंट। चलो अब सबसे पहले हम दोनों एक मस्त रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, ओके? पर मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। अब मैं क्या करूं अमृता? करना क्या है तुम्हें, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। रिमेम्बर वन थिंग, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सोनी ने तुम्हें पढ़ाई में पीछे ढकेलने ऐसा प्लान किया है, और तुम अब से पढ़ाई में इतना अच्छा करोगी कि उसे और दर्द हो, जलसी फील हो, वो खुद डिप्रेशन में चली जाए। बाकी रहा जो भी तुम्हारे साथ गलत किए हैं, उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, डोंट वरी। बाय डार्लिंग, सी यू एट माय प्लेस टुनाइट। सी यू डार्लिंग। आकाश, तू ये नई लड़की के साथ? देविका कहाँ है? अरे तुझे नहीं पता, सोनी ने कुछ बताया नहीं क्या तुझे? नहीं, क्या बात है? अरे यार,
देविका के साथ तो बस प्यार का नाटक चल रहा था अब तक। सच में मैं किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। थैंक गॉड सोनी ने काफी हेल्प किया, नहीं तो वो देविका कहाँ फंसने वाली थी। पर सोनी ने ऐसा क्या किया? अरे सोनी ही तो है जो शुरू से देविका को प्यार के ट्रैक में लाई, ताकि देविका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका फायदा हम दोनों को मिले। क्या? साहिल तुम्हें हो क्या गया है? पिछले 5 दिनों से तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे और बिजी हो ये बोल के फोन काट रहे हो बार बार। What is this? तुम जैसी एक घटिया और गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिलेशन नहीं बढ़ाना चाहता। What's wrong with you, साहिल? मुझे आकाश ने सब बता दिया है कि तुम दोनों ने मिलकर कैसे देविका जैसी एक इनोसेंट लड़की को कहीं का नहीं छोड़ी। ओह कम ऑन यार, कंपटीशन में तो ये सब करना पड़ता है। अब देखो सेकेंड सेमिस्टर से अब तक मैं ही टॉपर बनती आ रही हूँ। Isn't it a great thing? टॉपर बनने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, ये कैसी कंपटीशन है सोनी? ये तो बस एक गिरी हुई सोच है, घटिया माइंडसेट। अरे साहिल तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं नहीं वो देविका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। काश ऐसे ही होता। क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुम समझ रही हो, ब्रेकअप। देयर इज नथिंग बिटवीन अस नाउ, जस्ट लीव। ओ शट अप साहिल, तुम क्या सोचते हो खुद को? तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे? मेरे साथ? मैं ब्याज की टॉपर हूँ, टॉपर। लड़के मरते हैं मुझसे बात करने। मैं चाहूँ तो रोज एक नया बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। गो टू हेल। पता नहीं देविका अब किस हालत में होगी, शायद मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए। सोनी तो अपनी किए पर कभी शर्मिंदा नहीं होगी, पर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार हूं। काश मुझे ये सब पहले पता होता। देविका क्या हुआ है यार, तुम ऐसे? अमृता मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी याद ना आए, मैं सब कुछ भूल जाऊँ, पर आकाश का धोखा दिमाग से निकल ही नहीं रहा। देविका खुद को संभालो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, देखना कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं कोशिश करके भी इस सब से निकल नहीं पा रही हूँ, ना ही कुछ पढ़ पा रही हूँ मैं। चलो मेरे साथ जुम्बा क्लास चलो, बहुत मजा आएगा। ऐसे अकेली बैठी रहोगी तो उन दोनों के बारे में ही सोचोगी तुम। वाह दोस्त हो तो ऐसा। अमृता हर तरह से कोशिश करती रही कि वो देविका को डिप्रेशन से बाहर निकाल ले और उसे फिर से वही पुरानी देविका बना दे। उसे वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ी। और उधर देविका के घर में, माँ क्या दीदी सच में किसी से प्यार करती है और उसके वजह से सुसाइड अटेम्प्ट ली? लतिका प्लीज अब तू इस सब के बारे में मत पूछ। देविका बहुत भोली है, मैंने उसे बार बार समझाया था कि वो लड़का उसका फायदा उठाएगा और अब देख सच में वो ऐसा कर गया, धोखा दे दिया मेरी देविका को और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ जो होना था वो तो हो चुका है, पर आप दीदी को ऐसे अकेले वहां पे छोड़ के क्यों आ गए? उसे भी ले आते ना साथ में, अब पता नहीं वो फिर से कुछ। मैं और क्या कर पाती, पापा तो उसके हरकत से भड़क चुके थे। वो चाहते थे देविका अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के घर वापस आ जाए, पर वो नहीं मानी। माँ अब दीदी कैसी है? मैं उसके साथ तो ज्यादा बात नहीं की हूँ, पर उसकी वो नई रूममेट अमृता, उससे बात होती रहती है। वो पूरा संभाल के रखी है देविका को। मुझे लगता है ये लड़की बहुत अच्छी है, नेक है। देविका अब ज्यादातर टाइम अमृता के साथ बिताती थी। अमृता सच में एक नेक लड़की थी,
वो हमेशा देविका को मोटिवेट करती रही और कुछ दिनों में देविका इस सदमे से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे एक दिन सोनी का बॉयफ्रेंड साहिल मिलने आता है। साहिल, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ तुम। I'm so sorry, देविका, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में सोनी या फिर आकाश किसी के भी गंदे इरादे के बारे में कुछ पता नहीं था। देखिए, देविका has gone through a lot, और वो क्या, मैं भी नहीं चाहती कि आप उसके साथ इस सब के बारे में और बात करें, प्लीज। I'm really sorry, देविका के साथ जो भी हुआ, पर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था देविका। मैंने तो ये सब जानने के बाद सोनी और आकाश के साथ दोस्ती खत्म कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज। तुम तो इतनी आसानी से माफी मांग लिए, पर मेरे ऊपर जो बीती है मैं उसे कैसे जाने दूं, कैसे भुला दूं? तुम सब कर सकती हो देविका। तुम्हें पढ़ाई में पीछे ढकेलने सोनी ने ऐसे किया, अब तुम उसे पीछे करके फिर से अपना पोजीशन लो, यही उसके लिए बेस्ट सबक होगा। और रही बात आकाश की, तो भूल जाओ उसे। अरे तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, ट्रस्ट मी। हाँ साहिल, मैं भी देविका को यही बात समझा रही हूँ। और देविका, तुम्हें कभी भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मैं भी आज से तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए अब से तुम बस अपने करियर पे फोकस करोगी, ओके? I'll try. सच कहते हैं कि असली दोस्त ही मुसीबत के समय पास खड़े रहते हैं, सहारा देते हैं, दुख बांटते हैं। समय के साथ देविका आगे बढ़ चुकी थी और कुछ दिन बाद हेलो। हाँ साहिल, बोलो। अमृता, अब देविका कैसी है? देविका तो ठीक है, पर तुम हर बार देविका के बारे में पूछने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हें सच में देविका के बारे में पूछना था या फिर तुम मेरे साथ बात करना चाहते थे? एक्चुअली आई एम कंसर्न्ड अबाउट देविका, पर तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता था मुझे, वैसे सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। हमें तो ये लग रहा है कि जैसे साहिल और अमृता के बीच कुछ तो शुरू होने वाला है। चलिए अब देखते हैं सोनी के लाइफ में क्या चल रहा है। सोनी, तुम्हारा सेमिस्टर रिजल्ट तो कल आएगा और तुम आज से ही सेलिब्रेट कर रही हो, इतना श्योर हो कि तुम ही टॉपर होगी? पिछले 3 सेमिस्टर से मैं ही टॉप करती आ रही हूँ, और इस बार तो मैंने ऐसा खेल खेला है कि मेरे आसपास भी वो नहीं पहुंच पाएगी, फिर डर किस बात का, जस्ट चिल। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? अरे नहीं, कुछ नहीं, जाने दो, तुम सेलिब्रेट करो ना, कल नोटिस बोर्ड में मेरा नाम फर्स्ट पोजीशन में होगा, दैट इज फॉर श्योर। अगले दिन रिजल्ट देखने देविका के बैच के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो चुके थे, और जब नोटिस बोर्ड में रिजल्ट चिपकाया गया तो सबके होश उड़ गए। अरे ये देखो, देविका टॉप की है। वाह, और वो सोनी का क्या हुआ? सेकंड पोजीशन में, और ये देख मार्क्स में कितना डिफरेंस, अरे बाप रे, देविका तो बहुत आगे निकल गई। टैलेंटेड लड़की है वो, सोनी उसकी बराबरी कहाँ कर पाएगी, वो तो जैसे तैसे रट्टा मार के टॉपर बन गई थी। अरे देविका, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द टॉपर। क्या सच में? थैंक यू। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देविका को तो डिप्रेशन में होना चाहिए, फिर वो टॉपर कैसे हो गई? क्या बात है सोनी, मात खा गई इस बार इस देविका से? फिर क्या प्लान करोगी? अब तो मैं आकाश, विकास या फिर प्रकाश से भी नहीं पटने वाली। एंजॉय योर फेलियर, बाय। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो लड़की मुझे पीछे ढकेल रही थी उसको मैंने ऐसा सबक सिखाया है
कि क्या कहूँ, उसकी शक्ल देखने लायक था। बहुत अच्छा किया, ऐसे ही जी लगा के पढ़ाई करो। वैसे देविका, अगर तुम्हें कभी कभार अकेला महसूस हो तो तुम शोभित के साथ बात कर सकती हो। वो तो बहुत बार पूछ चुका है और पापा भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले अच्छे से जान जाओ। माँ, मुझे लाइफ में बहुत बड़ा धोखा मिला है। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे लड़के आकाश जैसे हैं। हो सकता है शोभित बहुत अच्छा लड़का हो, पर मैं अब इस प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बस पढ़ाई करूंगी, अपना करियर बनाऊंगी और फिर पापा जहां भी बोलेंगे मैं शादी करने तैयार हूँ। ठीक है, अब तो बस 6 ही महीने बचे हैं, तू आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर, तब तक मैं पापा को संभाल लूंगी। वो मुझसे आगे निकल गई, इतना सब करने के बाद भी? ये कैसे हो सकता है? आखिर उसके साथ कौन है जो उसे इतने अच्छे से संभाल लिया? देविका तो मेंटली इतनी स्टेबल कभी नहीं थी, फिर वो कौन है? मैं हूँ ना, मैं देविका के साथ हमेशा रहूंगी, डोंट वरी। दोस्त हो तो कोई तुम जैसा, वाह। अच्छा साहिल, तुम्हारा ये पार्टी अरेंज करने का क्या मकसद है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अमृता, देविका के टॉप करने की खुशी में मैंने पार्टी रखा है और साथ में एक खास अनाउंसमेंट भी करनी है मुझे। खास अनाउंसमेंट? बताओ ना क्या बात है। अभी बताऊंगा, 1 मिनट। तभी साहिल स्टेज के ऊपर जाता है और अपनी दिल की बात सारे दोस्तों के सामने रख देता है। आज से ठीक 6 महीने पहले मैं एक लड़की से मिला था और वो लड़की मेरे दिलो जान में ऐसे बैठ गई कि मैं अब उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसीलिए आज मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। यस अमृता, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? व्हाट? वाओ, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड शादी करने वाले हैं और मुझे अभी तक पता ही नहीं था। अमृता, हाँ बोल दो ना प्लीज, जल्दी। पर यस अमृता से यस अमृता से यस अमृता, अब तो यस बोल दो। पर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं साहिल, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी बात तो सुन लो पहले। एक तरह से देखें तो उस दिन अमृता ने हाँ या ना कुछ भी ना बोल के साहिल के प्रपोजल को इग्नोर कर दिया। साहिल बहुत ही दुखी हो गया था और साथ में देविका और अमृता भी दुखी थे। दुखी? और तुम क्यों अमृता? नाटक करना बंद करो। साहिल में बुराई क्या है? वो तो तुम्हारे साथ हैंगआउट करने के लिए नहीं पूछ रहा था, शादी करना चाहता था तुमसे, पर तुमने उसका दिल तोड़ दिया। देविका, तुम कुछ नहीं जानती, कभी कभी हमें अपने दिल को साइड करके दिमाग से सोचना पड़ता है। मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ पर ये शादी कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। I'm so sorry for this. क्यों नहीं हो सकती? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं मानती हूँ देविका, साहिल एक अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रखेगा, पर मैं शादी नहीं कर सकती। Why don't you understand? बहाना मार रही हो? जरूर तुम्हारा और किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए तुमने ऐसा किया। देविका अमृता के ऊपर गुस्सा होकर बात करना बंद कर देती है। अमृता खुद भी बहुत हर्ट थी और वो बार बार साहिल से बात करके उसे समझाना चाहती थी कि आखिर शादी के लिए मना करने के पीछे रीजन क्या है। पर साहिल अब पूरी तरह से टूट चुका था, वो अमृता के साथ बात करना ही नहीं चाहता था। साहिल तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा, मैं उसे कैसे समझाऊं कि असल में बात क्या है?
लगता है जैसे सब बिखर चुका था। तीनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, पर अमृता की चुप्पी ने सब बर्बाद कर दिया। देविका भी अब तय कर चुकी थी कि कुछ ही महीनों में अपना कोर्स खत्म करके घर वापस चली जाएगी। साहिल का फोन कॉल आना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुबह ये अमृता कहाँ चली गई सुबह सुबह? अरे ये क्या है? गुड मॉर्निंग देविका, मैं जा रही हूँ अपने घर। शायद हम दोनों कभी मिलेंगे या नहीं पता नहीं, पर एक बात जरूर याद रखना कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ना ही किसी के इमोशन के साथ खेलने में मुझे मजा आता है। मैं बस हालातों का मारा जो चाहकर भी अपनी दिल की बात नहीं सुन सकती। अपना ख्याल रखना और भगवान करे तुम अपने लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ। टेक केयर देविका, बाय। ओह माय गॉड, अमृता सच में चली गई? पर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नहीं बोल सकती और साहिल को भी नहीं, और अपने मन ही मन डिसीजन लेकर सब छोड़ के चली गई यहाँ से? जो भी हो, अमृता मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आई और इन 8 महीनों में मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दी। अमृता तुम्हें दिल से थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई डोंट नो तुम्हारी क्या मजबूरी है, पर काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। भगवान करे तुम भी अपने लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ। दिन महीने बीतते गए। शुरू शुरू में देविका एक दो बार कॉल की थी अमृता को, पर उसका नंबर बदल चुका था। इधर साहिल भी अमृता से बिछड़ने के दुख में देविका के साथ भी कोई खास कॉन्टेक्ट नहीं रखा था। फिर एक दिन देविका आ गई तू? हाँ माँ, अब पढ़ाई खत्म हो गई मेरी और साथ में आपका इंतजार भी खत्म हुआ। हाँ आ, फ्रेश होकर पहले कुछ खा पी ले, कितनी दुबली हो गई है। वैसे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कब आउट हो रहा है? नेक्स्ट मंथ पापा, आपकी बेटी टॉप की होगी, डोंट वरी। वेरी गुड, फिर जॉब वॉब का कुछ सोचा है? नहीं अभी नहीं पापा, माँ बोल रही थी कि मुझे पहले शोभित से मिलना है, फिर उसके साथ बातचीत के बाद डिसाइड करूंगी कि जॉब कहाँ पे लेने से दोनों को इजी रहेगा, है ना? बहुत सही डिसीजन है। वैसे शोभित तो इंडिया आने वाला है, उसके पेरेंट्स के साथ उसे अगले संडे को हमारे घर पे बुला देता हूँ, क्या कहते हो सावित्री? हाँ ये सही रहेगा। रीति नीति के हिसाब से लड़के वाले लड़की को देखने आना, चाय समोसे मिठाई ट्रीट के बाद फिर लड़का लड़की में अकेले में थोड़ी देर बातचीत होना, बात आगे बढ़ाने को मन है तो फोन नंबर एक्सचेंज करना, ये सारे फॉर्मेलिटीज देविका और शोभित के बीच हो गए। फिर एक दिन माँ मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। कहाँ जा रही हो देविका? अरे मैंने तो आपको बताया था कि देविका और शोभित आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ओह अच्छा, जल्दी वापस आ जाना बेटी, लेट मत करना। ओके पापा, बाय। देविका तुम कुछ अपने बारे में बोलना चाहती हो और इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाई हो, am I right? हाँ शोभित, हम दोनों का परिवार चाहता है कि हम शादी कर लें, पर उससे पहले मैं अपने बारे में सब कुछ बोल के क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में आपको कुछ पता चले और मुझे आप धोखेबाज समझने लगे। ऐसी भी क्या बात है देविका, देखो तुम्हारा पास्ट जो भी था जैसा भी था, पर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे साथ मैं खुश रहूंगा। मेरा पास्ट? हाँ शोभित, जब मैं हायर स्टडीज के लिए घर से दूर गई, वहाँ पे मुझे मेरा एक सीनियर मिला। देविका बहुत नेक लड़की थी, वो शोभित को शादी से पहले उसके साथ जो भी बीता था सब कुछ बता दी। शोभित अब सब जानने के बाद आपका जो भी डिसीजन होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। देविका
यू आर सच अ नाइस गर्ल। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम्हारे साथ घर बसा के खुश रहूंगा, और अभी मेरा डिसीजन सेम है। आई लाइक यू देविका एंड आई ट्रस्ट यू। आज देविका बहुत खुश थी, और इस खुशी में उसे सबसे ज्यादा अमृता और साहिल की याद आ रही थी, क्योंकि वही दोनों बोले थे कि एक दिन देविका को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। और सचमुच शोभित के बिहेवियर से ये पता चल रहा है कि देविका उसके साथ बहुत खुश रहेगी। यू नो शोभित, आज मैं बहुत खुश हूँ। अमृता और साहिल हमेशा बोलते थे कि मेरे लिए तो एक राजकुमार आएगा। आज लगता है उनका कहना सही हो गया। काश दोनों से बात कर पाती मैं। सच्चे मन से कुछ भी चाहो तो नामुमकिन नहीं है। यू कैन ट्राई इट देविका। काश। खाना खत्म करके दोनों घर वापस आ ही रहे कि अचानक से बीच सड़क पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती। काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी से कोई मदद नहीं मिलती। इतना लेट हो गया है, पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा हमें। तुम घर पे फोन करके बता दो कि गाड़ी अचानक से खराब हो गई है, और मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं। कम से कम आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक कार वहां से गुजर रही थी, और वो इन दोनों को देख के थोड़ी आगे जाकर रुक गई। शोभित देखो ना, ये कार रुक गई, इसे ही मदद मांगते हैं। देविका के मुंह से बात खत्म हुई थी कि नहीं कि तभी कार से कोई उतरकर इनके पास आ जाता है। साहिल, तुम यहाँ पे इतनी रात गए, क्या कर रहे हो? कहीं आए थे क्या काम से? अपना नंबर क्यों बदल दिया मुझे बिना बताए? कैसे हो तुम अब? अमृता के साथ कोई कांटेक्ट है तुम्हारा? अरे बाप रे देविका, इतने सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ कैसे दूं? हाँ, पापा की कंपनी से एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसी साइड, तो मुझे अक्सर आना जाना पड़ता है। वैसे तुम इतनी रात गए यहाँ पे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले इनसे मिलो, ये है शोभित, इन्हीं के साथ मेरी शादी पक्की हुई है। हाय शोभित, नाइस टू मीट यू। हे साहिल, आपके बारे में बहुत सुना था, इत्तफाक से मिल भी गए। एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है यार। अरे नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। फाइनल एग्जाम में भी देविका ही टॉप कर ली। पता नहीं वो कैसे आकाश का धोखा बर्दाश्त कर ली, कैसे अपने गम को भुला के इतने आगे बढ़ गई, और मैं वहीं की वहीं रह गई सेकंड पोजीशन में, और लाइफ में फेलियर। सोनी बेटी क्या कर रही है अंदर? खुद को ऐसे कमरे में बंद करके रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, बाहर निकल के हमसे बात तो कर। जब से आई है तब से इतना परेशान रहती है ये लड़की। माँ आप जाओ यहाँ से। साहिल, तुम्हारा अमृता के साथ कोई कांटेक्ट है? नहीं, अमृता उस दिन के बाद मुझसे बात करने को बहुत बार कॉल की, पर मैं इतने गुस्से में था कि किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। और बाद में जब मैंने उसे ट्राई किया तो वो अपना नंबर बदल चुकी थी। पता नहीं अब वो कहाँ है, कैसी है। काश मुझे पता होता। खैर जाने दो, शायद वो चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों उसके लाइफ में रहें। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि अमृता एक बहुत अच्छी लड़की है, उसका जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जो वो चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। शायद इसीलिए वो आप दोनों से दूर चली गई हो। मुझे भी यही लगता है, पर अब तो उसका कोई अता पता नहीं, सोचने से क्या फायदा। इतने दिन बाद साहिल से मिलके देविका बहुत खुश थी, और दोनों खूब बातें किए। पर उधर सोनी, अब क्या ठीक हो जाएगा माँ? देविका ने मुझे हर तरह से हरा दिया। पढ़ाई में तो आगे पीछे होता रहता है, इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? जाओ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहती।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक साल में 4 ब्रेकअप्स। किसी भी रिलेशनशिप में मैं 2-3 महीनों से ज्यादा नहीं टिक पाई। और वो साहिल कितना प्यार करता था मुझसे, कितना केयर करता था मेरा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। देविका को हराने के चक्कर में मैंने साहिल को हमेशा के लिए खो दिया। और अब 3 महीनों से ट्राई कर रही हूँ, पर मेरी जॉब भी कहीं नहीं लग रही। मुझे आकाश से मिलना चाहिए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। थैंक यू सो मच साहिल, यू आर सच अ सेवियर। ओह नो यार, ऐसे मत कहो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। जल्दी शादी करके हैप्पीली सेटल हो जाओ दोनों। पर तुम्हें शादी में आना है, नो बहाना, ओके? अरे श्योर, पक्का आऊंगा मैं। अगले दिन सुबह होते ही सोनी आकाश से मिलने उसके घर निकल जाती है। इतने दिनों से आकाश के साथ ना तो कोई कांटेक्ट रखा है मैंने, और ना ही कभी मिलने की कोशिश की। अब पता नहीं वो मेरी मदद करेगा भी या नहीं। घर पे होगा या कहीं दूसरे स्टेट में जॉब कर रहा होगा, गॉड नोज। ये सोचते सोचते जब सोनी आकाश के घर पे पहुंची, आकाश से मिलने आई हो, आओ बेटी अंदर आओ। आकाश, तुम ऐसे बेड पे क्यों लेटे हुए हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आंटी, क्या हो गया है इसे? बेटी, तुम्हें क्या सच में नहीं पता कि आकाश के साथ क्या हुआ है? नहीं आंटी, मुझे कुछ पता नहीं। क्या हुआ है आकाश को? मुझे लगा तुम उसके बारे में किसी से सुन के मिलने आई होगी। खैर बेटी, मेरे आकाश को पता नहीं क्या हो गया है। पिछले 7 महीनों से बेड पे ही है ये। ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, हाकिम, इतने सारे दवाइयाँ, सब ट्राई कर चुके हैं, पर कोई फायदा नहीं। कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि क्या बीमारी है इसे। पर आंटी, आकाश तो एकदम अच्छा खासा था, ऐसे अचानक से कोई बीमारी? हाँ, अचानक ही हो गया है मानो। पहले तो एकदम ठीक था, पर ऐसे? इतनी सारी लड़कियां घुमाता रहता था। मैंने बार बार समझाया, पर कोई फायदा नहीं। अपनी अयाशी में इतना मशगूल था कि सही गलत सब भूल गया था ये। मुझे लगता है जैसे जैसे किसी का श्राप लग गया हो मेरे बेटे को। पता नहीं मेरा बेटा कब ठीक होगा। आंटी हिम्मत रखिए, आकाश जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हुआ? मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, और अब आकाश के साथ इतना सब हो गया है। ओ गॉड, देविका को हम दोनों ने इस हद तक हर्ट किए हैं कि शायद भगवान उसी की सजा दे रहे हैं हमें। पढ़ाई में आगे निकलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। वो तो भरोसा करती थी मुझ पे, और मैं ये क्या कर दे। सोनी को आकाश की हालत देखने के बाद अपनी गलती का थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो गया था, और अब उसे लग रहा था कि अगर वो देविका से मिलके माफी मांग ले तो शायद सब ठीक हो जाए। देविका मुझे शायद ही कभी माफ करेगी, पर मुझे तो कोशिश करनी चाहिए। उसके घर पे मिलने जाऊंगी उसे। दोस्तों से सुना है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है, पर वो मुझे कहाँ इन्वाइट करेगी? पर मैं तो जाऊंगी, हाँ जरूर जाऊंगी। शोभित, एक हफ्ते में हमारी शादी है, और तुम हो कि अब भी ऑफिस का काम कर रहे हो। छोड़ो ना यार, अब कितना काम करोगे? देविका मेरी जान, मेरे लाइफ में 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो तुम, दूसरा मेरा काम। फिर कैसे नहीं ध्यान दूंगा मैं अपने काम पे, बताओ। अच्छा चलो, मैं फटाफट काम खत्म करके तुमसे मिलने आता हूँ। ओके ओके। देविका को उसके मनपसंद का पार्टनर मिल गया था, जो कि उसे बहुत प्यार करता था। घर पे सब खुश थे,
माँ, पापा, बहने और शोभित के घर में भी उसके मम्मी पापा। और देखते ही देखते उनकी शादी की दिन आ गई। फाइनली हमारी देविका को उसके मन पसंद का साथी मिल ही गया। देविका का ख्याल रखना यार, बहुत अच्छी लड़की है ये। मैं तुम्हारी इस दोस्त को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। साहिल, तुमने खाना खाया ना? अरे हाँ बाबा, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। तुम चिंता मत करो, बस आगे कैमरा देख के पोज देते रहो, ये दिन फिर नहीं आने वाला। देविका के साथ बात करते करते साहिल की नजर पड़ी दूर खड़े हुए देविका के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के ऊपर, जहाँ पे सोनी भी थी। और कुछ देर बाद, साहिल कैसे हो तुम? I'm fine. क्यों, क्या हुआ मैडम? ऐसे अचानक से देविका के शादी में कैसे आ गई आप? माफी मांगने। माफी? और तुम? हाँ साहिल, मैं देविका से माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? देखो सोनी, वो सब पुरानी बातें मैं कब से भुला चुका हूँ। प्लीज यार, मुझे उसके बारे में अब कोई बात नहीं करनी। शादी में आ ही गई हो तो जाओ, देविका से मिलो, खाना खाओ और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करो। साहिल, क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा? ओह नो, नेवर। हम कभी पहले जैसे नहीं बन सकते, हमारी आइडियोलॉजी ही अलग है सोनी। प्लीज मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोनी तो बहुत कोशिश कर ली साहिल के साथ फिर से रिलेशन बनाने को, पर साहिल के दिल में अब सोनी के लिए कहाँ जगह था। वो तो अमृता को चाहता था, और अमृता भी कहाँ थी उसके साथ। फिर सोनी निराश होकर देविका से मिलने चली जाती है। कंग्रेचुलेशंस देविका। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देविका मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माफ कर दो? और तुम्हें? जो वो बोलते हैं ना, लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं, तुम हो वो लड़की जो यही नफरत फैलाते हो। चले जाओ यहाँ से, बिना इनविटेशन के कैसे आ गई हो तुम यहाँ पे? देविका प्लीज ऐसे मत बोलो। फिर सोनी देविका को अपनी फेलियर और आकाश के हेल्थ के बारे में सारी बातें बता दी। मुझे मेरे मनपसंद का लड़का मिल गया है, मैं शादी करके फॉरेन में सेटल होने जा रही हूँ। ये सब देख के तुम्हें जलन नहीं हो रही है सोनी? अब मुझे माफी मांगने आई हो? और तुम देविका, तुम चाहे अब जितना भी रो लो, पर मुझ पे जो बीती है मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ना ही कभी आकाश को भी माफ करूंगी। तो बताओ मुझे, मैं ऐसा क्या करूं जिसके बाद तुम मुझे माफ कर दोगी? प्लीज देविका। अरे वाह, अब तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो फिर सुनो, मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी अमृता, मेरे साथ उसी पीजी में रहने आई थी और 8 महीने बाद कहीं चली गई। उसका ना तो एड्रेस पता है मुझे और ना ही फोन नंबर। अब अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो अमृता को ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ देविका, आई ट्राई माई बेस्ट, अमृता का पता जरूर ढूंढ निकालूंगी मैं। शादी के कुछ दिन बाद देविका शोभित के साथ मलेशिया चली जाती है। इंडिया छोड़ के जाने का दुख तो बहुत था उसके मन में, पर शोभित का प्यार उसे बहुत खुश रखा था वहां पर। और इधर सोनी, पीजी के लड़कियों से पता चला कि अमृता यहीं पर आती थी जुम्बा क्लास करने। यहां पे पक्का उसका वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड रखे होंगे, तब तो मुझे उसका एड्रेस भी मिल सकता है। अरे वो बहुत पुरानी बात है, अमृता, सुनीता, कविता, मैं किसी को थोड़ी याद करके बैठी हूँ। जो तुम आओगी और मैं उनका एड्रेस दे दूंगी तुम्हें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना, प्लीज चेक कीजिए एक बार। देखो यहाँ पे रोज नई नई 10-12 लड़कियां चली आती हैं एडमिशन लेने। कुछ लड़कियां 1 हफ्ते क्लास करके उसके बाद आना बंद कर देती हैं, और कितने बस 1 महीना करके निकल जाती हैं। और तो और कुछ कुछ एडमिशन लेने के बाद चेहरा भी नहीं दिखाते,
और बाद में पैसे वापस मांगने चली आती हैं। और मैं अब तुम्हारे लिए किसी सुनीता को कैसे ढूंढूं, बताओ? अरे सुनीता नहीं, अमृता। हाँ हाँ, जो भी हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। सोनी अपने तरफ से हर तरह से कोशिश कर ली, पर अमृता का पता लगाना उसके लिए दिन व दिन मुश्किल होते जा रहा था। फिर वो साहिल को कॉल करके अमृता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। साहिल प्लीज फोन मत काटना। क्या बोलना है तुम्हें, जल्दी बोलो, मैं बिजी हूँ। मुझे पता है तुम अमृता से प्यार करते हो, और अब वो किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखी है। मैं तो बस देविका के लिए अमृता को ढूंढ निकालना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे माफ कर दे। क्या तुम मुझे अमृता के बारे में ज्यादा कुछ बता सकते हो, जैसे कि वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी और किससे मिलती थी? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। पर हाँ, बस इतना जानता हूँ कि वो MDS पढ़ती थी सेंट जॉन्स कॉलेज में। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद देविका मलेशिया में अपने घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए अपने कॉलेज टाइम की यादों को ताजा करने स्लैम बुक्स, कार्ड्स, लेटर्स ये सब निकाल के पढ़ने लगी। वाओ, ये सब देख के कितना अच्छा लग रहा है, काश फिर से दोस्तों के साथ ये सारे पल जी पाती मैं। ऐसे ही कुछ सोचते सोचते देविका की नजर पड़ी एक गिफ्ट के ऊपर, जो कि अमृता का दिया हुआ था। वाओ, गिफ्ट! ये डॉल तो बहुत क्यूट है अमृता। बिल्कुल तुम्हारे तरह। देविका, नई लाइफ मुबारक हो तुम्हें। आज से पुरानी बातें भुला के अपने फ्यूचर पे फोकस करना, ओके? ओके माय एंजल, आज से आप जैसे कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और सुनो, जब फ्यूचर में मेरी याद आएगी तुम्हें, तब इस गुड़िया को खोलना, यादें फिर से ताजा हो जाएंगे। कुछ भी, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। देविका, प्यार और किस्मत दोनों अलग अलग होते हैं। हर प्यार करने वालों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो हमेशा साथ निभा पाए। एक ना एक दिन हमें अलग होना ही पड़ेगा। ओहो, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, एकदम दिमाग के ऊपर से उड़ जाती है। अमृता बोली थी कि गुड़िया को खोलना, क्या ये खुलता भी है? देविका जैसे ही गुड़िया को खोली, उसके अंदर अमृता का लिखा हुआ एक लेटर मिला उसे। लेटर इसके अंदर था और मैं अब तक नहीं देखी थी। देविका, माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखी हूँ। यही तो मेरा नसीब है, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाई। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, बस कभी मुझे गलत मत समझना कि मैंने तुमसे सच छुपाया। मिस यू फॉरएवर। अमृता, ये सब क्या लिखी है? हेलो साहिल, मुझे तुम्हारे साथ अमृता के बारे में कुछ बात करनी है। देविका, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आज मैं सेंट जॉन्स गया था कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए, और वहाँ पे मुझे लगा कि जैसे मैंने अचानक से अमृता को देख लिया, और जब पीछे मुड़ के उसे ढूंढने की कोशिश की, तब तक वो गायब हो गई थी वहाँ से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिल, तुम फिर से जाओ ना सेंट जॉन्स, पता करो कि वहाँ पे अमृता है या नहीं। लगता है जैसे वो पक्का अमृता ही थी। मुझे उसका एक पुराना लेटर अभी अभी मिला, वो शायद किसी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम? अरे साहिल, सोनी का कॉल आ रहा है मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके बाय। हाँ सोनी, बोलो। देविका, अमृता का पता चल गया है, पर क्या बताऊँ मैं। पर क्या सोनी, तुम ये गुड न्यूज इतना दुखी होकर क्यों बोल रही हो? देविका, तुम कुछ दिनों के लिए जल्दी से इंडिया आ जाओ। पर सोनी, ये तो बताओ कि हुआ क्या है।
आई एम सो सॉरी टू से दिस कि अमृता। देविका सोनी से कुछ ऐसा सुनी जिसके बाद वो मलेशिया में और रह नहीं पाई और शोभित के साथ सीधा इंडिया आ गई। अच्छा हुआ देविका जो तुम इंडिया आ गई, अब हम सब मिलके शायद कुछ कर सकते हैं। अमृता मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि उसकी इस लड़ाई में कुछ मदद नहीं कर सकता था? नहीं साहिल, बात यहाँ पे तुम्हारे बुरा भला होने की नहीं है। अमृता शायद किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसीलिए वो देविका और तुमसे दूर चली गई ताकि उसके बारे में तुम दोनों को कभी कुछ पता ना चले। हाँ साहिल, मन छोटा मत करो, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके वजह से तुम्हें कभी दुख हो ये नहीं चाहती थी वो। बात करते करते अचानक से देविका की नजर किसी के ऊपर जाती और वो अमृता ही थी। अमृता? साहिल ये देखो अमृता। हाँ वो यहाँ पे रोज आती है। देविका अब हमें उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, हो सके तो हम कल उसके घर जाएंगे, उसके पेरेंट्स के साथ बात करके देखेंगे, शायद हमें कुछ और जानकारी मिल जाए, फिर शायद मदद कर सकते हैं उसकी, है ना? हाँ यही सही रहेगा, अभी उससे बात कर लिए तो वो पक्का घुमा देगी। अगले दिन अमृता जब घर से निकलती है ठीक उसी वक्त साहिल सोनी और देविका जाकर पहुंच गए उसके घर के सामने। तुम दोनों जाकर बात करो, शायद मेरा जाना ठीक नहीं होगा। हाँ साहिल तुम यहीं पर हमारा इंतजार करो। तुम दोनों अमृता के दोस्त हो? हाँ आंटी, मैं देविका और ये सोनी। देविका तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ मैं, कैसी हो अब? तुम्हारी शादी कुछ ही महीने पहले हुई है ना? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। अमृता अपना दुख मुझे कभी पता भी नहीं चलने दी और मेरे बारे में सारा खबर लेती रही कि मेरी शादी कब हुई, मैं अब कहाँ हूँ। देविका तुम्हें मसाला डोसा बहुत पसंद है ना? मैं अभी बना के लाती हूँ। आंटी नहीं, आप मुझे पहले ये बोलिए कि अमृता की तबीयत कैसी है। ठीक है, क्यों क्या हुआ बेटी? आंटी हम चाहते हैं कि अमृता की मदद करें, आप प्लीज हमें सब कुछ सच सच बताइए। वो नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले, और खास करके उनको तो बिल्कुल भी नहीं जिनको वो हमेशा खुश देखना चाहती है। आंटी प्लीज आपको मेरी कसम मुझे आपके मुंह से सच सुनना है। क्या बताऊं बेटी, अमृता का एक किडनी कुछ साल पहले खराब हो गई थी और अब दूसरी भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, अब तो डायलिसिस भी स्टार्ट हो गया। डॉक्टर बोले हैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने रह गए हैं उसके पास, इसमें तुम लोग क्या मदद करोगे उसकी? आंटी कोई डोनर नहीं मिला अमृता को? कितने सालों से ट्राई कर रही है वो, पर डोनर पाने के लिए लिस्ट अभी बहुत लंबी है और मेरी बेटी के पास इतना वक्त भी नहीं रहा। वो हमेशा खुश रहती थी, अच्छा काम करती थी, दूसरों की मदद करती थी, पर देखो उसके साथ क्या हो रहा है। जीना चाहती थी मेरी बेटी पर उम्मीद छोड़ दी है। काश मैं कुछ मदद कर पाती, पर मुझे तो हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर मुझे मना कर दिए। मेरी अमृता का क्या होगा? देविका को अमृता के हालत के बारे में सुनके बहुत बुरा लग रहा था। इतना क्लोज होने के बाद भी उसको कुछ पता नहीं चला कि अमृता किस हालात से गुजर रही थी। देविका चलो हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचकर उस डॉक्टर के साथ बात करनी होगी जिसके पास अमृता का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ पर अमृता को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो कभी ऐसे करने नहीं देगी। जो भी हो जाए पर उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगा मैं, भगवान करे
हम दोनों में से किसी एक की किडनी मैच हो जाए अमृता के साथ। मैं वो डॉक्टर को अच्छे से जानती हूँ, अब उनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत गया और एक दिन सुबह अमृता हॉस्पिटल के बेड पे होश में आई। माँ, अमृता नई सुबह मुबारक हो तुम्हें। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ठीक हो गई। कंग्रेचुलेशंस अमृता, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तुम्हारा एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब डरने की कोई बात नहीं, जी भर के जियो अब। डॉक्टर, मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बस डोनर के बारे में जानना है कि वो है कौन और मुझे क्यों अपना किडनी डोनेट किया। प्लीज डॉक्टर, बस एक बार। नो अमृता, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। मैं हॉस्पिटल की पॉलिसी ब्रीच नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, पर इतना जान लो, जो भी तुम्हारा डोनर है वो तुम्हारा सबसे करीबी वेल विशर है। गॉड ब्लेस यू। अमृता, अब सब ठीक हो गया है, बाकी सब सोचना बंद करो और आराम करो तुम। अमृता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साहिल, तुम यहाँ पे कैसे और क्यों? माँ, क्या साहिल ने मुझे? नहीं, मैं तुम्हें किडनी डोनेट नहीं कर पाया अमृता, क्योंकि देर वॉज नो मैच। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब तुम ठीक हो गई हो, क्या अब भी मुझसे शादी करने तैयार नहीं हो? साहिल, इस दुनिया से चले जाने का कोई गम नहीं था मुझे, बस यही सोचकर तकलीफ होती थी कि जिस साहिल से मैंने इतना प्यार किया उसके नाम का सिंदूर नहीं पहन पाई। आई लव यू साहिल, एंड माई आंसर इज यस। अमृता थोड़े ही दिन में पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ गई और साहिल के मम्मी पापा उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिए। चलो, फाइनली हमारी शादी पक्की हो गई। साहिल, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे लगता है जैसे एक नई जिंदगी मिल गई है मुझे। ये सब सपना तो नहीं है ना? नहीं अमृता, ये सब हकीकत है। और मुझे किसी ने बोला था कि जब अमृता सबसे ज्यादा खुश होगी उसे ये गिफ्ट दे देना। ये लो, ये स्पेशल गिफ्ट एक स्पेशल इंसान की तरफ से। गिफ्ट किसने दिया है? नो, देने वाला तो अपना नाम बताने मना किया, आई एम सो सॉरी। गिफ्ट? ठीक ऐसा ही एक गिफ्ट मैंने देविका को दिया था। कहीं देविका ने मुझे? क्या ये भी खुलेगा? जब अमृता वो डॉल खोल के देखी तो उसके अंदर भी ठीक वैसे ही एक लेटर रखा हुआ था जैसे अमृता ने देविका के नाम पे लिखा था। अमृता, माय बेस्ट फ्रेंड, नई लाइफ मुबारक हो तुम्हें। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझसे छुपके तुम चुपचाप अपना दुख बर्दाश्त करके एक दिन इस दुनिया से चली जाओगी? मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि हर प्यार करने वालों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, पर प्यार में किस्मत बदलने वाले तो हमेशा एक साथ रहते हैं, क्यों? सही है ना? साहिल से शादी करके सीधा मलेशिया आ जाना हनीमून मनाने। मिस यू अमृता। देविका? देविका ही मेरी डोनर है? ओह माय गॉड। देविका की लिखी हुई ये लेटर पढ़ने के बाद अमृता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिन में अमृता की शादी साहिल के साथ बड़ी धूमधाम से हो गई। और फिर एक दिन दोनों मलेशिया निकले देविका से मिलने। थैंक यू सो मच देविका, मुझे एक नई लाइफ देने के लिए। एक बार तुम भी तो मुझे नई लाइफ दी थी अमृता, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। अब प्यार और किस्मत दोनों एक साथ हैं।
सच कहा तुमने, चलो अब इसी बात पर आज एक पार्टी हो जाए। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है, भरोसे के बदले भरोसा मिलता है और दोस्ती के बदले जान छिड़कने वाला एक दोस्त मिलता है। आपका क्या ख्याल है? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।